आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। हम ईटा खरीदने आए हैं घर बनाने के लिए। घर नहीं ना है, बाहर में रहते हैं। देख सकते हैं चिमनी है, कोमल ईटा, यह एक नंबर ईटा, ये एक नंबर ईटा है। उसके बाद जब कभी कभी सोचते हैं कि कोयला अगर ख़त्म हो जाए तो ईंटा कैसे पकेगा। ये कोयला रखा हुआ है, कोयला को ज़्यादा खपत ना करें, इसीलिए सीमेंट का ईंटा बनवाएं। कहने डाल दिलक चिमनियाम तक, यह कोयला को फ्रेश करता है। इस पे जो धूल है सब बाहर अलग हो जाता है। इसमें जो ओरिजिनल कोयला रहता है इसको रिफाइन करके फिर से डालता है इसमें चिमनी में। यह सब ईटा निकला हुआ है, बारिश के कारण इसका कलर चेंज हो गया है, और बारिश के कारण ईटा का रेट भी बढ़ जाता है। एक कोमल है जो मेरे गांव माफिया इंटरप्राइजेस से 3-4 किलोमीटर के दायरे में है, अच्छा रेट लगा देगा, इसीलिए यहाँ से ले रहे हैं। इसे रखा हुआ है भूसा गेहूं का कट्टू, इसको कोयले के साथ डालते हैं चिमनी में। के अंदर ये देखिए ईटा निकल रहा है, इधर सब ईटा का देख सकते हैं यहाँ कैसे करके डाला जाता है कि अच्छे से सब पक जाए। गाड़ी पर लोड हो रहा है जाने के लिए।